नमस्कार, मैं रेशम अंबादास वीएसआरएस न्यूज में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओडिशा के सुंदरगढ़ दौरे पर ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल के हाथों डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अवसर पर उड़ीसा राज्य सुंदरगढ़ क्षेत्र के सभी पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। साथ ही राज्यपाल गणेशी लाल ने विभिन्न विद्यालय एवं महाविद्यालय के गोल्डन जुबली एवं डायमंड जुबली में भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि वर्षों से प्रेस क्लब का भवन बन रहा था, जो आज राज्य के राज्यपाल ने उद्घाटन कर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट सुनील कुमार सिन्हा को इस भवन का दायित्व देते हुए अपने शब्दों में सच्चाई को हर वक्त हर समय पत्रकारों द्वारा पहुंचाने का काम किया है, जिसे हम सभी को सराहना करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब उद्घाटन के पश्चात जिला के 50 वर्ष पूरे किए गए हैं। सरकारी हाई स्कूल बरंगा कच्छर गांव की विद्यालय का सभा में भाग लेकर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति अनेक संदेश दिए गए। उसके बाद जिला के सबसे पुराने महाविद्यालय जो 62 वर्ष पार करने पर डायमंड जुबली के अवसर पर ओडिशा की राज्यपाल महामहिम गणेशी लाल ने उपस्थित सभी विद्यार्थियों को महाप्रभु कृष्ण से अपना नाता जोड़कर हर संभव अर्जुन की तरह हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दी और जिला के संपूर्ण विकास में सहयोग की बात कही। इस अवसर पर जिलापाल निखिल पवन कल्याण, आरक्षी अधीक्षक सौम्या मिश्रा, सुंदरगढ़ विधायक के साथ राजगंगापुर विधायक डॉक्टर राजन एक्का, जिला के डालमिया सीमेंट के ईटी सुनील गुप्ता के साथ विभिन्न प्रतिष्ठित लोगों की उपस्थिति में महाविद्यालय के डायमंड जुबली का समापन किया गया। इसको कोई कष्ट ना, इट शुड बी इन अ कंफर्टेबल जोन, फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेसेस, टेंशंस एंड डिप्रेशन। उसे किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आज उद्घाटन किया है सुंदरगढ़ के, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अभिनंदन भी करना चाहता हूँ पूरी उन एजेंसी का, विधायक का, प्रेस मीडिया का। और इसमें एक निवेदन और भी करना चाहता हूँ कि जब कभी आपको किसी प्रकार की ऐसी कोई बात आए जो फर्ज करिए कि किसानों से संबंधित जिस समस्या का हल इधर नहीं हो सकता हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निवास और राजभवन को जनभवन मानकर, लोकभवन मानकर आपका स्वागत है। कभी भी आकर किसी भी बात को कहने की साहस नहीं, कहने का अधिकार रखते हैं। इस सरकार का कि ऐसे दो पशु गाय जो दूध भी नहीं देते हैं, केवल उनके डंग से, गोबर से और यूरिन से, और यूरिन के अंदर कुछ मिक्सचर होगा, जैसे हम पनीर बनाते हैं और पानी फेंक देता है, उस पानी में प्रोटीन रहता है, सीरुइन के साथ उसको मिलाकर ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, ऐसे कुछ किया जाएगा जिससे एक गाय का डंग और यूरिन 30 एकड़ लैंड के लिए पर्याप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज, उड़ीसा।